नमस्कार, क्या आप जानते हैं कि आपका बच्चा आपके साथ पुस्तकों, पत्रिकाओं या समाचार पत्रों में चित्र को देखकर बहुत कुछ सीख सकता है? यह आपको आपको मार्गदर्शन करने के लिए 6 पुस्तकें दी गई है। अपने बच्चे की रुचि का पालन करें। जब आपका बच्चा किसी चित्र में रुचि दिखाता है, तो इस बारे में बात करें कि उनकी रुचि को क्या आकर्षित किया है। जीवंत आवाज का प्रयोग करें। इससे बच्चे का ध्यान किताब पर रखने में मदद मिलेगी। इंगित, नाम और दोहराव। पुस्तक में किसी वस्तु या व्यक्ति का इंगित करने और नामकरण करने से आपके बच्चे को नए शब्द सीखने में मदद मिलेगी। और क्योंकि बच्चे दोहराव के माध्यम से सीखते हैं, उस शब्द का उपयोग करने के अन्य अवसरों की तलाश करते हैं। सहायक बने। आपका बच्चा जो कहता है उस पर हमेशा सकारात्मक प्रतिक्रिया दे। यदि आपका बच्चा लाल सेब की ओर हमेशा इशारा इशारा करता है और टमाटर कहता है, तो कुछ उत्साहजनक बात कहे, जैसे हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये लाल है, ये एक सेब है। संबंध बनाए। किताब में उन चीजों से जुड़े और आपके बच्चों को पता है, यदि पुस्तक में कोई व्यक्ति हाथ दिलाता है, हिलाता है, तो आप और आपका बच्चा भी ऐसा कर सकते हैं। भावनाओं के बारे में बात करें। किताब में क्या है, क्या हो रहा है, उसका उपयोग अपने बच्चे को खुशी, दुख, गुस्से और डर जैसे भावनाओं के समझने में मदद के लिए करें। अपने बच्चों की अपनी भावनाओं को समझने और उनसे पूछने का मदद करने के लिए अपने चेहरे और आवाज का उपयोग करें। आप यह भी बात कर सकते हैं कि अन्य लोग एक निश्चित तरीके से क्यों महसूस करते हैं, ये कहकर, देखो वो मुस्कुरा रही है। आपको क्या लगता है कि वो क्यों मुस्कुरा रही? आज आप किस बात में मुस्कुराए? याद रखें, यहाँ तक कि बहुत छोटे बच्चे भी पुस्तक संस्करण का आनंद लेते हैं और ये उनके विकास में और सीखने में मदद करता है। यदि वे पुस्तक को अपने मुंह में रखते हैं, तो ये उनके लिए ठीक है, वे चीज कर रहे हैं। किताब सजा करने से आपके बच्चे की भीतर तरीके से बोलना, सोचना और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। यह उन्हें भावनाओं और उंगली की उन्नति की समझने को लिए भी प्रोत्साहित करेंगे, जिससे उन्हें अन्य बच्चों को बच्चे और व्यापकों से साथ बेहतर बनने की मदद मिलेगी।